मसीम सक़ुसम पाकिस्तान में हूँ का मेज़बान साझा गौरी आप देख प्रोग्राम करवा सच साझा गौरी के साथ नाजिन आज मैं फिर फैसलाबाद मदीना टाउन दाऊदगरी में मौजूद जहाँ पर न्यू कानवेंट स्कूल सिस्टम बना हुआ है बिशब इफारंद रिज़ साहब ने इसको बनाया मैंने पहले भी एक दो रिपोर्ट्स लाई हैं उसके बाद असम्बली में आवाज़ उठाई गई जिसमें एम पी तारक गिल साहब ने तरीके अलवाकार जमा करवाई जिसमें एक महकमों के अंदर एक जंजला सा आ गया कि ये कौन शख्स है जो इस स्कूल के लिए असम्बली तक आवाज़ उठा कर लेके जा रहा है एमपी पी गिल साहब मे साथ मौजूद हैं मैं इनसे पूछूंगा कि स्पेशली आप स्कूल का विजिट करने आए हैं और आपने जो तरीके जो जमा करवाई है असम्बली के अंदर उसके हवाले से कुछ बताइएगा शुरू करता हूँ खुदांद के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहाय ही रहम करने वाला है साजिद भाई आज ये जो स्कूल जो न्यू गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम के तलक़ से मैं आया हूँ इसलिए कि मैंने पहले भी आज से दो चार साल पहले मैं आया था तो उस वक्त मैंने देखा ये स्कूल की हालत जो है ना वो बड़ी अज, अजीब सी हो गई हुई थी यहाँ पे पार्क था पार्क के अंदर काफ़ी खूबसूरत और महंगे तरीन खिलौने थे और लोग झूले वगैरह थे बच्चे जब जब रिफ्रेशमेंट होती है जब रिसेस होती है तो उस वक्त यहाँ पे बच्चे बड़े इन्जॉय करते हैं तो वो बच्चे जिनको जो स्कूल नहीं जा सकते थे वो बच्चे जिनके माँ बाप तलीम देने से कासर हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं और गरीब हैं यतीम हैं मस्किन हैं उन बच्चों को यहाँ पर तलीम दी जाती है यूनिफॉर्म दिया जाता है बॉक बस्ते दिए जाते हैं शूज़ दिए जाते हैं सॉक्स दिए जाते हैं उनकी हर वो चीज़ जो स्कूल से मुतलक़ा है वो उनको दी जाती है और तीन चार सौ बच्चे हैं जो हॉस्टल है बना हुआ हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में उनको अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाता है अच्छे बिस्तर हैं अच्छा रहन सहन है तो इस वजह से मैं इतहास ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो चुका हूँ और बहुत परेशान हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या ये इंतज़ामिया या हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट के लोग जो हैं या जो जितने भी दानश्वर समझदार लोग इस मुलक में रहते हैं क्या उनके लिए ये हमारा ये स्कूल जो है ना ये मेरा नहीं स्कूल है ये पाकिस्तान की एक मलकियत है, है पाकिस्तान की एक प्रॉपर्टी है और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को ज़ाया करने के लिए कितने गंदे और गलीज़ किस्म के जहन आपस में जुड़े और उन्होंने स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिया मैं सिर्फ ये कहने पर मजबूर हूँ कि आज मैं सिर्फ इस स्कूल में आया था कि जो बच्चे हेपाटाइटिस का शिकार हो के मौत की आगोश में चले गए हैं उन्होंने जो पानी यूज़ किया और जो पानी पिया स्कूल के दौरान पढ़ाई के दौरान तो उस पानी का एक सैंपल लेने के लिए आया हूँ तो मैंने सैंपल आपके सामने रिसीव कर लिया है असम्बली पंजाब में जा रहे वन के अंदर मैं वो सैंपल दिखाना चाहता हूँ वो दिखाकर मैंने हमारे स्पीकर साहब उनसे भी बात करनी है इंतज़ामिया से बात करनी है आ, आ, आज की हकूमत से भी मैंने बात करनी है वो सैंपल मैंने दिखाना इसलिए है कि ये पानी यूज़ करके बच्चे मौत की आगोश में चले गए मौत की गोद में चले गए तो मैं उस पानी को चेक करवाने के लिए उनके साथ बात करने वाला हूँ तो आज मैं आया उस बेसिकली पानी का नमूना लेने के लिए तो आज वो पानी का नमूना और सैंपल ले कर मैं जब अवान के अंदर कल बोलूँगा तो उसके बाद फिर ये देखेंगे कि वो क्या होता है तो मेरी कोशिश होगी कि धरने के बगैर इस स्कूल के साथ जो गंदे पानी के कुएँ बनाए गए हैं धरने के बगैर एहत के बग़ैर इसका ख़ात्मा हो जाए अगर ये काम ना हुआ तो फिर मैं जो करना है वो आप भी देखेंगे मैं भी देखूँगा और मेरी कौम का हर नौजवान देखेगा हमने अपनी जद्दोजहद को नहीं छोड़ना हम ये समझेंगे कि, कि जैसे आज तक कश्मीर में कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ तो मुझे मेरा जेन फिर ये बनने जा रहा है कि हम भी अपनी जदोजहद को नहीं छोड़ेंगे हम इस स्कूल के साथ बने हुए गंदे पानी के कुओं को हम इनको बंद करवा के छोड़ेंगे और उतनी देर तक मैं कम अज़ कम आराम से नहीं बैठूँगा मेरा आपसे प्रामिस है बिशप इफ्तार इंद्रिया साहब का कसूर ये है मैं बर्मला कहता हूँ फिर कहता हूँ कि बिशप इफ्तार इंद्रिया साहब का कसूर ये है कि उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है और इस वतन के लिए मैं कुछ कर दूँ और उन्होंने ये सोचा कि ये जो बच्चे जो गलियों में आवारा फिरते हैं जिनका माँ बाप नहीं है जिनके बहन भाई या माँ बाप इनको पढ़ाने से कासर हैं उन्होंने सोचा कि मैं उन बच्चों की मुस्तबिल को एक ज़बरदस्त फ्यूचर बना दूँ उनका मुस्कबिल बना दूँ तो जब उन्होंने ये सोच रखते हुए इतना बड़ा स्कूल दिया तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी बड़ी गलती है मेरी पिछले दिनों में उनसे बात हुई तो मुझे कहने लगे अभी मेरे पास एक हज़ार स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट है तो जब मैं जिन लोगों से मैंने बात की है जो वो मुझे प्रोजेक्ट देने वाले हैं जो पास हो चुका प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट को पास मैंने करवाया बड़ी मेहनत से लेकिन जब उनके पास ये बात गई है कि अभी स्कूल के साथ गंदे पानी के कुएँ बन गए हैं तो उन्होंने कहा जी पहले वो कुएँ उठवाएँ फिर हम एक की बजाय दो स्कूल बनाने का आपको प्रोग्राम देते अच्छा, हैं अच्छा कुओं की अगर बात करते हैं तो आपने अंदर विजिट भी किया है और कहा जा रहा है कि ये मॉडल तरीके से बनाया गया है अभी हम बाहर खड़े हैं हाइपटेटर सी से बच्चे पंद्रह मर चुके हैं लेकिन ये जो आवाज़ आ रही है जनरेटर की कहते हैं कि स्कूल टाइम में भी जनरेटर है तो क्या इस आवाज़ को बच्चे पढ़ सकते हैं नहीं बच्चे पढ़ते क्या हैं बच्चे पागल हो सकते हैं मेंटली अपसेशन का शिकार हैं एहसास कमतरी का शिकार हैं भूख और अफ्लास का शिकार हैं वो पानी पीने के काबल का नहीं है वो प्यासे हैं और प्यास का प्यास के भी शिकार हैं मेरे भाई जब एक बच्चा प्यासा होगा एक बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होगा तो वो तलीम हासिल करने करने के बाद वो डॉक्टर नहीं बनेगा वो टीचर नहीं बनेगा वो प्रोफेसर नहीं बनेगा वो इंजीनियर नहीं बनेगा वो पागल खाने का एक मरीज़ बनेगा तो मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर बड़ा सूबा जो पंजाब है इस पंजाब के सूबा के सरकर्दा लीडर्स चाहे वो पी टी आई की हैं चाहे वो है, वो पी एम एल एन की हैं चाहे वो ए पी एम एल के ओ के हैं चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं चाहे वो जमायत इस्लामी के हैं चाहे वो लब्बैक या रसूल के हैं मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप खुदा एक इंसान होने के नाते ये सोचें कि अगर ये अठारह सौ बच्चे पढ़ने के बजाय पागल खानों में चले गए अगर ये पढ़ने की बजाय या ऑफ़िसर बनने की बजाय ये पागल खानों में जमा हो जाएं या पेशेंट बन के अस्पतालों में दाखिल होने के बाद मौत के मुंह में चले जाएं तो इनका इनका ज़ुमेदार कौन है इनका इनका ज़ुमेदार कौन है वो मैं हूँ जो एक इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर हूँ वो आप हैं जो आपने ये माइक उठाया हुआ है वो कैमरा मैन है जिसने ये पकड़ा हुआ है और ये भी मैं लोगों के मसाइल के ऊपर अगर बात नहीं करता तो आप मुजरम हैं ये शरीफ शहरी हैं मेजर साहब ये भी मुजरम है ये साथ खड़े हैं बच्चे ये भी मुजरम है इन बच्चों का फ्यूचर किनों ने तबाह किया हमने तबाह किया हम पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठकर जब इनकी बात नहीं करेंगे जब इनके साथ नहीं खड़े होंगे जब इनका साथ नहीं देंगे तो सबसे बड़ा मुजरम मैं हूँ और मुझसे बड़ा मुजरम वो हर बंदा जो ईवान का मम्बर है चाहे वो पंजाब असम्बली में कोई भी पार्टी से उसका तल है वो मुजरम है क्योंकि अच्छा तो, कहीं ये तो नहीं है कि जिस तरह यहाँ पर दौद कलोनी भी है स्कूल क्रिश्चन कम्यूनिटी का स्कूल भी है तो क्या ये प्लानिंग के तौर पर नहीं डिस्पोजल बनाया गया ताकि ये कलोनी भी खाली हो यहाँ से स्कूल भी बंद हो जाए और ये प्रॉपर्टी जो है तगे टोकरी लोग बेच कर यहाँ पर जो मालदार जो सामी जो सोसाइटियों वाले हैं वो जगह ख़रीद कर यहाँ पर सोसाइटी बना ले हाँ ये भी ख्याल हो सकता है लेकिन मेरे ख्याल में ये बात ज़्यादातर ये है ये सोसाइटी जो है ना वो ए, ए, किनाल व्यू है ना किनाल रोड उसके ऊपर सोसाइटी है और छः किलोमीटर का फासला है छः किलोमीटर के फासले पर वो सोसाइटी है अंदर अंदर वो पाइप और गट यानी कि ड्रेन डे, डे, जो है ना वो वो बनी हुई है और उसका पानी इस जगह पे आता है इन आबादियों का पानी नहीं आ रहा इन आबादियों का पानी जो किसी और जगह पे जा रहा है तो इन लोगों को तंग करने का एक ये भी तरीका है कि ये लोग यहाँ से निकल जाएं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं अपनी मसीही कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके इस चैनल के वसीला से कि मसीही कौम हो या मुस्लिम कौम हो हम अपनी कम्युनिटी को ये बताना चाहते हैं हर पाकिस्तानी को कि अपने फ्यूचर को इन बच्चों के ये देखें ना ये छोटा सा बच्चा ये ये देखो ये छोटा सा बच्चा ये बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ता है और इसका हालत देखो ये छोटा सा बच्चा इस काबिल नहीं है कि किसी वीआईपी स्कूल में पढ़े तो ये कॉन्वेंट कौ, कोवर्नेंट स्कूल सिस्टम का जो स्टूडेंट है इस स्टूडेंट के साथ जब हम ए, जब ये पढ़ जाएगा तो ये हम इसके साथ बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये पढ़ा होगा अगर इसके अंदर गटर के पानी गंदे पानी के, के गंदे पानी की बदबू इसके जहन में होगी तो ये नाहल पढ़ना लायक इंसान होगा ये पाकिस्तान के फ्यूचर को ब्राइट करने की बजाय पाकिस्तान के फ्यूचर को अंधेरे में ले जाएगा इस बच्चे को हमने बचाना है इस बच्चे को बचाना है उस बच्ची को बचाना है इन बच्चों को बचाना है ये बच्चे को शौक से नहीं खड़े हुए ये बच्चे यहाँ के स्टूडेंट हैं और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन बच्चों का फ्यूचर जो है ना ये बर्बाद करने का एक प्रोग्राम किया गया है कि पाकिस्तान एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान ना हो पंजाब एक पढ़ा लिखा पंजाब ना हो पिछले दिनों में वजी अला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा ख़ूबसूरत ऐलान किया कि बच्चों को मुफ्त तलीम दी जाएगी बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाएंगी बच्चों को मुफ्त बैग दी जाए और भाई अभी तो आप पॉलिसी बना रहे हो अभी तो आपकी मीटिंग्स होंगी यहाँ तो, तो कोई मिल रहा है अभी तो आप बड़ी बड़े लोगों को इकट्ठा करोगे फिर उसके बाद आप ये प्लान बनाओगे फिर प्रिंटिंग प्रेस के पास जाओगे फिर बुक्स बाबा ये जो बना हुआ है ये जो सेटअप इस वक्त तैयार हैं कि सेटअप से के तहत इन बच्चों को तलीम दी जा रही है भाई इन बच्चों पर मारो इनका इनका खाना ख़राब हो रहा है भाई इनका भी देखो ये छोटी सी बच्ची ये इनका इनका खाना ख़राब हो रहा है ये कौन इसका ज़िम्मेदार है बच, बच, सी एम साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया है लेकिन उस ऐलान से बड़ा ऐलान ये करें कि इस्कूल इस के साथ बने हुए गंदे पानी के कुएँ ख़त्म करें ताकि इन बच्चों का भी फ्यूचर जो है न वो अंधेर नगरी में जाने से बच जाए दादाजी जिस तरह एम पी तारक गिल साहब ने जब बात कही कि मैं कॉम की आवाज़ बनने के लिए जा रहा हूँ और ये आप बच्चे दे सकते हैं कि ये वही बच्चे हैं जिनके पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं और ये बच्चे इधर पढ़ रहे हैं और ये जनरेटर की आवाज़ सुन रहे हैं जो कि जनरेटर की आवाज़ जो है वो हमें बाहर खड़े हैं तो हमें एक दूसरे से आवाज़ सुनने में महसूस हो रहा है कि हमें आवाज़ नहीं आ रही लेकिन यही आवाज़ अंदर बच्चों को पढ़ने से रोक रही है खुदा इस आवाज़ को इस डिस्पोज़ल पंप को बंद करवाया जाए एम पी साहब ने कहा है कि ये अगर असम्बली के अंदर अगर मेरी आवाज़ ना सुनी गई तो आने वाला जो मल है वो मेरा दमादम मस्त कल अंदर होगा फिर लेंगे नए टॉपिक के साथ मुझे और कैमरामैन तारक पह को जा दीजिए खुदाफि